हे गाइस, मेरा नाम सनी कुमार, एसएस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रहा हूँ पोहा। तो देखिए, हमने 250 ग्राम पोहा लिए हैं। अब मैं इसमें पानी डालूँगा। पानी मैंने डाल दिया है, चम्मच की सहायता से इसे मिक्स करना है। आपके एकदम बाजार जैसे, मार्केट जैसे लगेंगे खाने में। मैं इसमें अभी आधा चम्मच नमक का लिया है, छोटा वाला। इस तरह से मिक्स करना है इसे। जब तक मिक्स करना है, सारा नमक ना मिल जाए और पानी। हमारा नमक और पानी मिलके रेडी है। मैं अब इसे 5 मिनट तक रख दूंगा, क्योंकि इसका पानी है सारा पोहा सोख ले और ये अपने आप मोटे हो जाएंगे। 5 मिनट तक रखते हैं इसे। पोहा मैंने 5 मिनट के लिए रख दिए हैं फूलने के लिए। मैं गैस को ऑन कर रहा हूँ। पैन मैंने रख दिया है, इसमें ऑयल डालूंगा। ऑयल डाल दिया है, अब मैं इसमें मूंगफली के दाने डालूंगा। कलर ब्राउन होने तक इसको भूनना है। मूंगफली बन के रेडी है। मैं गैस को बंद करता हूँ। इसे मैं प्लेट में ले लूंगा। दोस्तों, मूंगफली मैंने प्लेट में ले ली है, कटोरे में। आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें भूनना है। फिर मैं गैस को ऑन करता हूँ। स्लो फ्लेम पे ही गैस को रखना है। एक चम्मच और ऑयल डालूंगा। तो दोस्तों, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगा आधा चम्मच छोटा हल्दी का, थोड़ा सा मुझे जीरा डालना है। एक छोटा चम्मच पोहा मसाला डालना है मुझे। अब मैं इसमें हरी प्याज डालूंगा। मैं इसमें हरी मिर्च भी डालूंगा, दो बारीक कटोरी। मुझे इसे मिक्स करना है। देखते रहिए, तो आपने मार्केट में खाए होंगे, लेकिन ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ ऐसे तो ये आपने कहीं पर भी नहीं खाए होंगे। आप देख सकते हैं ट्राई मार्केट। तो मुझे लाइक कमेंट जो भी करना है कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ना तो कमेंट करना। देखते रहिए, मैं इसमें टमाटर डालूंगा। मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। मैं क्या क्या डालूंगा इसमें, कितने मजे आने वाले हैं आपको पोहा खाने में। हेलो दोस्तों, मैंने टमाटर गलाने के लिए पानी डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगा, 1/4 चम्मच। इसे मिक्स करूंगा। आप देखते रहिए कितना टेस्ट आने वाला है, बहुत ही मेरे हाथ के पोहा खाने में। मैं इसमें देख रही, इसमें थोड़ी सी गाजर डालूंगा इस तरीके से।
बारीक। आपको बहुत ही मजा आने वाला है इसमें। थोड़ी सी गाजर डाल दी इसमें, मेरे पोहा को 5 मिनट हो चुका है, मैं इसमें पोहा डालूंगा। मैं इसे मिक्स करूंगा। पोहा भी थोड़ी देर में बनने वाले हैं। कुछ ही देर में मैं इसे प्लेट में रखूंगा। इस तरह से मिक्स करना है हमें दाल मसाला। इसमें एक छोटा वाला चाट मसाला डालूंगा ऊपर से, छोटे चम्मच नमक डालूंगा इसमें। नमक तो आपको स्वाद अनुसार ही डालना है, कहीं कड़वी ना हो जाए। मैंने यहाँ पे एक प्लेट ली है, उस प्लेट में सारे पोहा को डाल दूंगा। आप देखते रहिए अब मैं इसके ऊपर क्या डालूंगा। कुछ मूंगफली के दाने जो मैंने फ्राई किए थे, बारीक कटी हुई प्याज डालूंगा इसके ऊपर जिस तरीके से, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालूंगा सजाने के लिए। हमारी पोहा जी डिश बन के तैयार है, घर वालों के साथ रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत ही हल्का भोजन है।